क्या करते हैं, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इफ़ द स्ट्रेस इज मोर ऑन एक्शन रैदर देन द डूअर ऑफ द एक्शन, अगर जो परेशानी है वो एक्शन के साथ ज़्यादा, एक्शन यानी जो क्रिया हुई है उसकी परेशानी ज़्यादा है, जबकि जो करने वाला है जिसने एक्शन किया है उसकी उससे कम है। एग्जाम्पल में देखिए, अ कुकुम्बर वॉज चॉप्ड, यहाँ पे कुकुम्बर जो है वो नाउन हो गया, वॉज चॉप्ड यानी वो कट किया जा चुका है, यानी उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया है, तो वॉज चॉप्ड उसके ऊपर एक्शन हुआ है, और उसके ऊपर एक्शन जो हुआ है काटने का हुआ है, इसलिए उसे कहा गया है कि उसके ऊपर स्ट्रेस परेशानी उसे ज़्यादा है। द चॉपिंग ऑफ द कुकुम्बर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन हु चॉप्ड इट, यहाँ पर कुकुम्बर कट चुका है ये बहुत ज़रूरी है, जबकि ये नहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसके द्वारा काटा गया है, कट चुका है ये एक्शन ज़रूरी हो गया है। अब तीसरा है, इफ़ द एम्फेसाइज इज ऑन द थिंग और द पर्सन हु रिसीव्स द एक्शन, ये फिर ये गिला या शिकवा उस चीज़ के लिए हो या उस व्यक्ति के लिए हो जिसने रिसीव किया एक्शन, यानी जिसने एक्शन को पाया हो। एग्जाम्पल देखिए, द लेटर वॉज डिलीवर्ड, जैसे कि लेटर ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है, यानी कि पहुँचाया जा चुका है, तो लेटर इज़ गिवन इम्पोर्टेंस, अब लेटर जो है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उसके बाद आपको देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में, यानी कि अगर आप पूरा चैप्टर सपोज नहीं पढ़ सकते हैं बच्चों, तो आपको ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये हिंट्स दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ लेना है, इससे आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउंस ऑल्सो चेंज इन द पैसिव वॉइस, पर्सनल प्रोनाउंस भी वही होते हैं जो कि पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं, या उनको हम चेंज बदल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल, अब ये मैं एप्पल खा रहा हूँ, तो एक्टिव वॉइस हो गया। एन एप्पल वॉज ईटन बाई मी, यहाँ पर ऑलरेडी एप्पल को वो खा चुका है, तो ये पास्ट टेंस हो गया, इसलिए ये पैसिव वॉइस, ठीक है। जो हो रहा है वो एक्टिव वॉइस, जो हो चुका है किसी के द्वारा तो वो हो गया पैसिव वॉइस। आई हैज़ चेंज टू मी इन द गिवन एग्जाम्पल, यहाँ पर आई जो है वो मी में चेंज हो चुका है। रीड द गिवन टेबल विच शोज हाउ प्रोनाउंस चेंज फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, अब पीछे एक टेबल दिया हुआ, उस टेबल द्वारा आपको बताया गया है कि प्रोनाउंस जो हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं अब।